हेलो फ्रेंड्स, तो आपका अपनी यूट्यूब तितर इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जंगली तितर के बारे में। तो जंगली तितर ये देखिए, हमने तो 4-5 दिन पहले एक जंगली फीमेल पकड़ी थी, तो अभी डर नहीं रही है। पहले लाए तो दूसरे दिन बोलना स्टार्ट कर दिया था उसने, तो हमने रख दी पालने के लिए। और उसके साथ ये बच्चा है 4 महीने का, हमने अपना ये पट्टा है। तो उसका उसके साथ एक फीमेल थी, वो मर गई थी, तो इसके बदले उसको इसके ये जंगली वाली फीमेल को साथ कर दिया है। तो अभी थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी बिल्कुल, पहले पालतू हो जाएगी पहली तरह, जैसे पालतू तीतर होते उसकी तरह से। अभी भी बोल रही है लेकिन थोड़ा कम डरती है, उतना ज़्यादा नहीं डरती है, थोड़ा डर तो रही है फिर भी कम डरती है। तो जंगली तीतर को पालतू कैसे बनाए वो बता रहा हूँ आपको। ये जंगली तीतर को पहले आप लाओ, अपने घर के अंदर पिंजरे में रखो, अपने पालतू तीतर है तो उसके साथ में साइड पे रखो, नहीं है तो अलग से उसको जैसे थोड़ा अंधेरा अपना है ऐसा अंधेरा जैसा रहे ऐसे रख दो, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको उसको आप ही उसको दिखनी चाहिए, खाना आप खिलाओ पिलाओ जो भी उसको आप ही ट्रेन करो, थोड़ी देर वो उसके साथ टाइम निकालो। तो जैसे जैसे आप उसके साथ टाइम निकाले जैसे खिलाओगे अपने हाथ से, तो आपसे डरेगी नहीं और ट्रेन होती रहेगी। जैसे करोगे डेली तो 10-15 दिन में पूरी तरीके से बोलने भी लग जाएगा पहले जैसे। तो फीमेल लाए थे तो अभी बोल रही है, तो एक वीडियो निकाला है मैंने बोलने का, तो एंड में वो आपको बता दूंगा। और एक बार कि अपने पास कितने तीतर है दिखा देता हूँ आपको। अपने पास ये एक एज में डबल में 2 है, ये डबल में बच्चे हैं 3, देख सकते हैं 3 बच्चे है, एक इसमें है 2 इसमें है। और ये बड़े केज में टोटल 8 है, सब 2 बड़े हैं और 6 छोटे बट्ठे हैं, उसमें से 4 फीमेल है, 2 छोटे बच्चे हैं वो मेल है, देख सकते हैं। तो बड़ी पट्टी दिख रहे हो फीमेल है पट्टे है, और छोटे वो बच्चे मेल है। अगर आप भी पाल लेना चाहते हैं ऐसा वाला बड़ा केज बनाइए, उसमें थोड़ा खुला माहौल लग गया उसको, और कमरे के अंदर है तो आप ऐसे बल्ब लगा सकते हैं। डबल वाले अपने पास से 2 केज है, ये 2 केज है, एक ये रहा हरा वाला पिंजरा, दूसरा जो अपने शिकार के लिए लेके जाता है वो वाला, और एक ये बड़ा वाला। दूसरे 2 केज अपने अंकल के वहाँ है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।